हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सिंह के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिजल्ट आ चुका है, तो आज हम मेरिट लिस्ट के बारे में अब देखेंगे कि मेरिट लिस्ट कितना गई है और पिछले वर्षों की तुलना में मेरिट लिस्ट में कितना फर्क है। तो सोशियोलॉजी अनरिजर्व अर्थात जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट 184 नंबर नेट के लिए और 206 नंबर JRF के लिए है, जो कि JRF हमारा 68 पॉइंट कुछ में है और वहीं नेट हमारा हो जाएगा 61%, 61%, 61.1%। और वहीं EWS का के लिए क्राइटेरिया 55 पॉइंट कुछ परसेंट, 56% लगभग है नेट के लिए, और वहीं JRF के लिए हमारा हो जाएगा ये 65.1% के आसपास। और इसी तरह OBC के लिए नेट का परसेंटेज हमारा 55% है और JRF के लिए हो जाएगा हमारा लगभग 64%। और SC का कट ऑफ लिस्ट 50.5 के आसपास है नेट के लिए, और वहीं JRF के लिए हमारा 59.1% आएगा। और ST के लिए यह है 146 नंबर और 174 नंबर JRF के लिए, और परसेंटेज में हो जाएगा यह आपका 48 समथिंग, या 48 समथिंग के आसपास रहेगा। वहीं JRF हमारा हो जाएगा आपका 63.5, मतलब एकदम SC ST में बहुत कम ही अंतर देखने को मिलेगा आपको। और इसी तरह अन्य जैसे कि विकलांग कोटे के अंतर्गत जो आते हैं उनके अंतर्गत भी परसेंटेज आसपास रहा है। तो यह आज की वीडियो थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक नहीं, हाँ पिछले वर्ष की तुलना में EWS की कट ऑफ अधिक हुई है 2% और जनरल की कट ऑफ 1% अधिक हुई है। वहीं OBC का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आया है पिछले वर्षों की तुलना में। SC की कट ऑफ में 2 नंबर की वृद्धि हुई है और ST की कट ऑफ में इस लगभग सेम है, तो ज़्यादा कोई और फर्क नहीं है। और जो कि एग्ज़ाम मर्ज होने की बात हो रही थी कि 12% रिजल्ट दिया जाएगा, तो 12% रिजल्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल 6% ही रिजल्ट घोषित हुआ है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।